आज का ये वीडियो सिर्फ उन टीचर्स के लिए है जो कि अपने चैनल को लेकर काफी सीरियस रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज हो जाए और यहाँ से अर्न कर सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 2 दिन के अंदर में कैसे 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर सकते हो। काफी अर्जेंट वीडियो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं 11:30 पर ये वीडियो बना रहा हूँ रात को, ठीक है, 11:30 बजे। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, स्टेप वाइज स्टेप आप लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपको आखिर किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कहाँ बनाना होगा और आपको यूट्यूब SEO कैसे करना है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। मात्र आप 2 दिन में 1000 सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। तो देखिए, कोई यदि आपका एक एजुकेशन चैनल है, आप किसी भी कैटेगरी का वीडियो बनाते हो फर्क नहीं पड़ता, हर चैनल पर ये ट्रिक काम करने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन विच टॉपिक यू शुड मेक वीडियो, आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं जनरल कंपटीशन के लिए अभी बता रहा हूं, ठीक है, ये सभी के लिए काम करेगा, जितने भी एजुकेटर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं। केयरफुली सिर्फ आप देखिए, तो देखिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तो अभी जो है हमारा SSC का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, SSC MTS का एग्जाम चल रहा है और ये एग्जाम जो है लगभग 1 महीना तक चलने वाला है और इसके दौरान सभी लोग अपना चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं और कमाना शुरू भी कर सकते हैं, ठीक है। मात्र आपको मोनेटाइजेशन के लिए क्या चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। ये आप मात्र 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं यदि आप जो भी मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे। तो देखिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाना होगा। तो SSC MTS में पूछा क्या क्या जाता है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। GK GS पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, मैथ्स आते हैं और रीजनिंग आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनका एनालिसिस वीडियो बनाना है। एनालिसिस वीडियो बोलने का मतलब ये है कि जो भी पेपर में पूछा जाएगा उसका आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो बनाना है। आखिर क्वेश्चंस को लाएंगे कहाँ से, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा। जो भी बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, वाईफाई स्टडी हो गया, एग्जामपुर हो गया, SSC अड्डा हो गया, ये लोग करते क्या है कि लाइव एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, उनके वीडियो को प्ले करना है और आपको एक PDF बना लेना है जो भी वो क्वेश्चन को बताएंगे। PDF बना करके आपको क्या करना है, वीडियो को अपलोड कर देना है। 1 दिन में कितना वीडियो आपको अपलोड करना होगा, तो देखिए 1 दिन में आपको 3 वीडियो अपलोड करना होगा। ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो आपको अपलोड करना है लगभग 11 से 11:30 के बीच में आपको एक अपलोड कर देना है और जो आपका दूसरा वीडियो है, आपका दूसरा वीडियो 2 बजे अपलोड हो जाना चाहिए और तीसरा वीडियो आपका कितना बजे अपलोड होना चाहिए, तो लगभग 6 बजे शाम को अपलोड होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, और आपको सारे टॉपिक पर वीडियो बनाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप GK GS पर बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। GK GS पर भी बनाना है, मैथ्स पर भी बनाना है और रीजनिंग पर भी बनाना है। आई होप आप समझ गए होंगे, तभी आपका वीडियो रन कर पाएगा और आप जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर गेन कर पाएंगे। और देखिए, ये तो हो गया हमारा रेगुलर वीडियो आपको इसी तरह से बनाना है, लेकिन एक आपको वीकली वीडियो बनाना होगा। देखिए, वीक में आपको एक ऐसा वीडियो बनाना है जो कि आपका 100% वायरल होगा। यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है। क्या है, तो देखिए, जैसा कि GK GS का वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो GK GS का जब आप वीडियो बनाएंगे तो SSC में जितने भी 7 दिन के GK GS पूछे जाएंगे उनको आपको क्या करना है, एक वीडियो में आपको कलेक्ट कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करना पड़ सकता है। आपको क्या करना है कि एक ही PDF में सारे क्वेश्चंस को लिखना है और इसका आपको ये क्या करना है, पर्टिकुलर वीडियो बना देना है। और देखिए, वीडियो का लेंथ आप मैक्सिमम 25 मिनट रहने दीजिएगा। यदि 25 मिनट में ये 7 दिन का पूरा GK GS कवर नहीं होता है तो आपको Part 2 तुरंत 1 दिन बाद अपलोड कर देना है, वैसे आपका ही फायदा होगा, ठीक है। 25 मिनट से ज्यादा का वीडियो मत कीजिएगा और वीडियो का क्वालिटी हाई होना चाहिए, तभी आपका सब्सक्राइबर गेन होगा। लोग आपके वीडियो को तो देखेंगे, वॉच टाइम तो आपको मिलेगा, लेकिन सब्सक्राइबर गेन नहीं होगा यदि आप अपने वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बहुत सारा बना चुका हूँ कि कैसे आपको एक अच्छा क्वालिटी का वीडियो बनाना है, एडिट कैसे करना है, थंबनेल कैसे बनाना है, सारा कुछ चैनल पर अपलोडेड है। आप जाकर के एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो मैं क्या बता रहा था कि आपको क्या करना है, वीकली एक वीडियो अपलोड करना होगा। GK GS हो या फिर मैथ्स हो या फिर रीजनिंग हो, सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक ही वीडियो में आपको बना देना है। इस तरह का वीडियो 100% वायरल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाउ टू मेक वीडियो का ये तो हो गया, लेकिन वेयर टू मेक वीडियो, आखिर आपको वीडियो कहाँ पर बनाना है, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा ऐप का यूज करना है। तो देखिए, यदि आप GK GS का वीडियो बनाएंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि MS Word को डाउनलोड कर देंगे या फिर Google Docs को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसी में आपको क्या करना है, अपना PDF को तैयार करना है और यहीं से आपको अपने वीडियोज को बनाना है। यदि आप मैथ्स रीजनिंग को पढ़ाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि आप मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ाना चाहते हैं तो ओनली वन एप्लीकेशन है जो कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, माई व्यू बोर्ड।
माई व्यू बोर्ड देखिए चलाना थोड़ा इसमें हार्ड होता है, लेकिन मैं डिटेल में बता चुका हूँ। लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो है और लगभग इसे 15,000 लोग देख चुके हैं। जाकर के चैनल में आप देख लीजिएगा माई व्यू बोर्ड वाला वीडियो, इससे बेहतर एप्लीकेशन मोबाइल के लिए कोई हो ही नहीं सकता। जाकर के देखिए, काफी आपको मजा आएगा इसमें बनाने में और 100% सब्सक्राइबर ये गेन करेगा। अपना वॉइस क्वालिटी को आप काफी जबरदस्त रखिएगा ताकि आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो सके। मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के तरीके बता रहा हूँ, यदि आप ढंग से वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपका सब्सक्राइबर 100% नहीं बढ़ेगा। और देखिए आपको यूट्यूब SEO कैसे करना है, तो देखिए अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको अपने डिस्क्रिप्शन को किस तरह से लिखना है, देखिए आपको करना क्या है कि अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो टैग का है उसका एक लाइन आपको सेम रखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आप टाइटल में लिखेंगे उसको आप क्या करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर में कॉपी कर देंगे। मैं यहाँ पर हालांकि दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इन्हीं कीवर्ड्स को आप डालिएगा। ये जो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि वायरल कीवर्ड्स हैं, यही यूट्यूब पर अभी सर्च किया जा रहा है। यदि आप इसे लगाएंगे तो आपका जो वीडियो है ना सर्च लिस्ट से काफ़ी देखा जाएगा, यानी 90 to 95% आपका सर्च लिस्ट से ही व्यू आएगा। तो इन कीवर्ड्स को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने वीडियोस के अंदर में इन्हीं कीवर्ड्स को लगाइएगा। और देखिए आपको क्या करना है, थंबनेल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी के लिए, थंबनेल आपको थंबनेल को इम्प्रूव करना ही होगा। थंबनेल के ऊपर में जो फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, आपको जो पिक्सेल ऐप से, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको पिक्सेल ऐप से थंबनेल बनाना है, लेकिन पिक्सेल ऐप में बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स नहीं है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको फॉन्ट्स को कहाँ से डाउनलोड करना है, लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से आप एक अच्छा क्वालिटी का थंबनेल बना सकते हैं। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल रहा हूँ, आपको ये क्या करना है कि टेलीग्राम ग्रुप आज ही बना लेना है, ठीक है। जा करके यूट्यूब पर देख लीजिएगा आखिर टेलीग्राम ग्रुप हम कैसे बनाते हैं, उसका कम्युनिटी गाइडलाइन क्या है, वो सारा कुछ आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेना है, उसी में सारे स्टूडेंट्स को आपको PDF प्रोवाइड करना है। यदि आप PDF प्रोवाइड करेंगे तो आपका बहुत जल्द सब्सक्राइबर इंक्रीज होगा, सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए आपके पास प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी होना चाहिए, जो कि पिक्सेल ऐप में प्रोफेशनल कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो आपको बैकग्राउंड को डाउनलोड कहाँ से करना है, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के अंदर में क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद सिंपली आपको सर्च क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आकर के सिंपली कैनेवा सर्च कर देना है, CANAVA। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी का बैकग्राउंड मिल जाता है, सिर्फ आपको यहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड करना है। जो फर्स्ट वाला लिंक है इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको शायद साइन अप करने के लिए या फिर साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर क्या करना है, साइन इन हो जाना है। 100% सिक्योर है, आप चैनल वाला आईडी को भी यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उस देर यहाँ पर देखिए आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, तो सर्च बॉक्स में सिंपली आपको एक बार टैप करना है और यहाँ पर सर्च क्या करना है, तो यूट्यूब थंबनेल सर्च करना है, ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब थंबनेल सर्च करना है। और देखिए इसमें से आपको डाउनलोड कौन सा करना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कॉपीराइट भी आ सकता है। तो देखिए जैसे आप इस इमेज में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं लिख रहा है, ठीक है, और देखिए इसमें भी कुछ भी नहीं लिख रहा है, जिसमें पेड लिखेगा यहाँ पर, देखिए इस इमेज को आप देखिएगा यहाँ पर पेड लिख रहा है, ठीक है। यानी यदि आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको कॉपीराइट मिल सकता है या फिर ये डाउनलोड नहीं होगा, ये भी होता है कभी कभार। ये भी देखिए ये प्रो है तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो पेड लिखा हुआ है उसे आप डाउनलोड मत कीजिएगा, बाकी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बैकग्राउंड कोई सा भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमें इसे डाउनलोड करना है, तो एक बार आप इस पर टैप करेंगे, जैसे ही आप टैप करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, देन देखिए आपको क्या करना है कि इन सब चीजों को डिलीट कर देना है। यहाँ पर जो टूडे लिखा हुआ है, स्पेशल लिखा हुआ है, प्रीसियस, इस सारे चीज़ों को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए क्या करना है, आप यहां से क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे ना, देखिए ऊपर में भी यहां पर डिलीट का बटन दिया गया है, क्लिक करके आराम से आप इसे कर सकते हैं डिलीट, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे को आपको एक एक करके डिलीट कर लेना है, ठीक है। और देखिए इन सब चीज़ों को रहने दीजिएगा, जो यहाँ पर ये डिजाइन दिख रहा है इन सब चीज़ों को रहने दीजिएगा, इसे रिमूव करना जरूरी नहीं है। जो बड़ा बड़ा आइकन्स है उनको आपको सिर्फ क्या करना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव जब हो जाए तो आपको क्या करना है, डाउनलोड कैसे करना है, तो ऊपर में देखिए एक आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली शेयर में क्लिक कर देना है। शेयर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड का एक आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो आपका जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक एक बार और ये परमिशन में आएगा, तो डाउनलोड में आप क्लिक कर दीजिएगा
और देखिए हमारा डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, आपका भी डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप इसे पिक्सेल ऐप में किस तरह से यूज करेंगे, के अंदर में पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, देन आपको जो यूट्यूब का रेशियो है उसे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। आई होप ये सभी को पता होगा, यहाँ तक तो आप कर ही सकते हैं। देन आपको क्या करना है कि यहाँ पर आ जाना है। देखिए जो नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रॉम गैलरी का एक आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो फ्रॉम गैलरी में क्लिक कीजिएगा। जैसे आप फ्रॉम गैलरी में क्लिक करेंगे तो आप जो अभी बैकग्राउंड डाउनलोड किए हैं ना, वो आपका डाउनलोड वाले सेक्शन में होगा, डाउनलोड वाले फाइल में होगा। तो हमारा देखिए यहाँ पर है, तो सिंपली हम क्या करेंगे इसे इम्पोर्ट कर देंगे। देखिए मेरा इतना सारा डाउनलोडेड है, मैं चाहता हूँ इसे यूज करना, तो सिंपली हम इसमें एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे देखिए सही का निशान है, नीचे आपको सही वाले निशान में क्लिक करिए, आपका क्या हो जाएगा इम्पोर्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आराम से अपना थंबनेल बना सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन ध्यान से कीजिएगा ताकि आपका थंबनेल अट्रैक्टिव दिख सके।